हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। एंड टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। दे आर व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच, Why, whose and how? These are question words. Question words का use हम कैसे करते हैं? Let's see. How can we use question words in the sentences? Question words are used at the beginning of the sentences. And question mark is used at the end of the sentences. Clear? यूज ऑफ वाट। वाट मीन्स क्या। वाट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स। जब हम किसी थिंग के बारे में पूछना चाहते हैं हम यूज करते हैं वाट का। या किसी एक्शन के बारे में हम जानना चाहते हैं हम वाट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाट आर द बॉयज डूइंग इन द पार्क। पार्क में बॉयज क्या कर रहे हैं। यहाँ हम बॉयज के एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, सो वी यूज वाट। सेकेंड एग्जाम्पल, वाट इज योर फेवरेट ड्रिंक। यह हमने थिंग के बारे में पूछा है कि उसकी फेवरेट ड्रिंक क्या है, आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है। सो वी यूज वाट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, राइट। नाउ सेकेंड यूज ऑफ हु। हु मीन्स कौन। हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल। हम जब पीपल मीन्स पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं हम यूज करते हैं हु का। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू टॉकिंग टू। आप किससे बात कर रहे हैं। हु। हु इज योर फेवरेट एक्टर। अगेन हमने पर्सन के बारे में पूछा है कि आपका फेवरेट एक्टर एक्टर कौन है। हमने यहाँ यूज किया हु का क्योंकि हम यहाँ पर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। नाउ यूज ऑफ विच। विच इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और पीपल इन अ ग्रुप। जब ग्रुप में किसी पीपल या थिंग के बारे में पूछना चाहते हैं हम यूज करते हैं विच का। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक आर यू रीडिंग। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। विच ऑफ दीज गर्ल्स कैन सिंग वेल। यहाँ दीज गर्ल्स क्या है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स है। इन गर्ल्स में से कौन सी गर्ल अच्छे से सिंग कर सकती है, अच्छे से गा सकती है, ये हमने क्वेश्चन पूछा है। सो वी यूज विच। विच ऑफ दीज गर्ल्स। क्लियर। नाउ यूज ऑफ हुज। हुज मीन्स किसका या किसकी। हुज इज यूज टू आस्क अबाउट पोजिशन। पोजिशन मीन्स ऑनरशिप। जब हम किसी के ऑनरशिप की बात करते हैं, किसी के अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं, हम यूज करते हैं हुज का। फॉर एग्जाम्पल, हुज कोट इज दिस। ये कोट किसका है, मीन्स इस कोट पर किसका पोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल, हुज बुक्स आर दीज। ये बुक्स किसकी हैं। तो यहाँ हम बुक्स पर जानना चाहते हैं किसका ऑनरशिप है, किसकी ऑनरशिप है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेसेस। जब हम प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं हम यूज करते हैं वेयर का। फॉर एग्जांपल, वेयर इज माय बुक। मेरी बुक कहाँ है। वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्लेस पर जा रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हमने यूज किया वेयर का। क्लियर। नाउ यूज ऑफ व्हेन। व्हेन मीन्स कब। व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। व्हेन का यूज हम कब करते हैं, जब हम टाइम के बारे में जानना चाहते हैं। डेट टाइम की जानकारी के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। फॉर एग्जांपल, व्हेन इज योर बर्थडे। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक। आप वॉक पर कब जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन पूछा है उसका टाइम जानने के लिए। वॉक पर जाने का टाइम पूछा है हमने, राइट। सो वी यूज व्हेन। नाउ यूज ऑफ व्हाई। व्हाई इज यूज टू आस्क व्हाट रीजंस। हम किसी के एक्शन के रीजन के बारे में जानना चाहते हैं, मीन्स कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसका रीजन क्या है। लेट्स सी एग्जांपल, व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग। चाइल्ड क्यों क्राई कर रहा है, क्यों रो रहा है। हमने यहाँ उसके क्राई करने का रीजन पूछा है। व्हाई मीन्स क्यों।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, उसके यहाँ खड़े होने का हमने रीजन जानना चाहा है, तो हमने यूज किया वाई का, राइट। नाउ यूज ऑफ हाउ, हाउ इज यूज टू आस्क इन वाट वे, कोई एक्शन हुआ है तो किस मैनर में हुआ, इन वाट वे एन एक्शन डन, सो वी यूज हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा फील कर रहे हैं अभी, आप कैसा फील कर रहे हैं। सेकेंड, हाउ डू यू गो टू स्कूल, यह हमने उससे पूछा है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, इन वाट वे यू गो टू स्कूल, सो वी यूज हाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्लियर। नाउ नोट द फॉलोइंग यूजेज आल्सो, हाउ के अदर यूजेज भी हैं, लेट्स सी व्हाट आर दीज। हाउ ओल्ड आर यू, जब हमें किसी की एज जाननी है हम यूज करते हैं हाउ का, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ टॉल इज दादा एंड स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एंड हाउ मच का यूज हम कैसे करते हैं, हाउ मैनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, लाइक गर्ल्स, गर्ल्स क्या है काउंटेबल नाउन, हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स वहाँ थी। हाउ मैनी एंड हाउ मच का मीनिंग सेम है, हाउ कितनी या कितना, जबकि यूजेज इसका डिफर है। हाउ मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि हाउ मैनी का हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और गर्ल्स है काउंटेबल नाउन, इसीलिए हाउ मैनी का यूज किया गया गर्ल्स के साथ। एंड मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और मिल्क के साथ हाउ मच का यूज किया गया है, क्लियर। हाउ मच मिल्क डू यू बाय, आपने कितना मिल्क खरीदा। नाउ नंबर 5, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हेयर, वह यहाँ कितना रुकेगा, मतलब कितने समय रुकेगा। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, आप दिन में कितनी बार टी लेते हैं, हाउ ऑफन कितनी बार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन, हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किसी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी करते हैं, राइट, और इनके आंसर यस और नो में नहीं होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेम, आंसर मिनी। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 10। हुज डॉल इज दिस, इट इज माइन। हु गॉट इट फॉर यू, माई डैड। नाउ नोट द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। हु इज दैट गर्ल, ये गर्ल कौन है, या हमने पर्सन के बारे में पूछा है हु। हाउ ओल्ड इज सी, अगेन हमने एज के बारे में पूछा है ओल्ड के द्वारा। वाट इज हर नेम, हम नेम जानना चाहते हैं, हमने यूज किया वाट का, राइट। हुज डॉटर इज सी, ये किसकी डॉटर है। वेयर डज सी लिव, उसकी हम प्लेस जानना चाहते हैं, हमने यूज किया वेयर का, वेयर मीन्स कहाँ। हाउ फॉर इज हर ब्लेज, उसका घर, उसका ब्लेज कितना दूर है, हाउ फार। नेक्स्ट, वैन डिड सी कम हेयर, वह यहाँ कैसे आई, कब आई, सॉरी वैन मीन्स कब, वह यहाँ कब आई। हाउ डिड सी कम, वह यहाँ कैसे आई, इन व्हाट वे सी कम। व्हाई इज सी स्टैंडिंग देयर, यहाँ हमने रीजन पूछा है उसके यहाँ खड़े होने का, क्या रीजन है, वाई मीन्स क्यों। नेक्स्ट, विच डॉल डज सी लाइक, उसे कौन सी डॉल अच्छी लगती है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी डज सी हैव, हाउ मैनी डॉल्स आर देयर इन द विंडोज। स्टूडेंट्स, यहाँ हाउ मच एंड हाउ मैनी का यूज किया गया है, हाउ मच का हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन लाइक मनी, एंड हाउ मनी का यूज किया जाता है फॉर काउंटेबल नाउन एज डॉल्स, क्लियर। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, एक्सरसाइज वर्क, क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। फर्स्ट, वेयर डज सी लिव, वेयर का यूज क्यों किया गया है, यहाँ हु या हाउ का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उसके वो कहाँ रहता है। वेयर डज सी लिव, उसका प्लेस के बारे में हमने पूछा है, सो वी यूज वेयर। हाउ ओल्ड आर यू,
एज के बारे में पूछते हैं ओल्ड के, हाउ यूज करते हुए, वाट इज योर नेम, और नेम के लिए हम यूज करते हैं वाट का, राइट। वेयर आर माई शूज, यहाँ हम शूज के साथ वेयर की जगह हम यूज करते हैं वेन आर माई शूज, हु आर माई शूज, हाउ आर माई शूज, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम शूज के प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। सो वी यूज वेयर। वेन इज योर बर्थडे, बर्थडे का हम टाइम जानना चाहते हैं कब है। वेन डू यू गो टू बेड, आप बेड पर कब जाते हैं। अगर आप वेयर का यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बेड ऑलरेडी प्लेस गिवन है। सेवन, वाई इज द चाइल्ड क्राइंग। एट, हु हैज टेकन माई पेन, या हमने किसी पर्सन के बारे में पूछा है कि मेरा पेन किसने लिया है, हु हैज टेकन। नाइन, अगेन पर्सन के बारे में पूछा गया है कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। नंबर टेन में हमने वैन का यूज किया है क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं टाइम। वैन डज योर स्कूल बिगिन, आपका स्कूल कब शुरू होता है, वैन। हाउ डू यू स्पेल योर नेम, इन वाट वे आप अपना नेम लिखते हैं, इन वाट वे कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू। वाई, अगेन हम रीजन जानना चाहते हैं, वाई डू यू कम हेयर डेली, आप यहाँ क्यों आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एड अ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड टू ईच क्वेश्चन। वाट इज चेरिल डूइंग, हु इज शाउटिंग देयर, हु ओपन्ड माई लेटर, वाट कलर डू यू लाइक, हु हैज इटन माई पिज्जा। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको समझ आ गए हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड हम कैसे यूज करते हैं, राइट। नंबर सिक्स, वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे। अगर आप यहाँ पर वेयर की जगह यूज करते हैं हु वर या हाउ वर यू यस्टरडे, तो रॉन्ग हो जाएगा, सो वी यूज वेयर। हु पेंटेड दैट पिक्चर, यहाँ हु का यूज होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछना है कि हु पेंटेड, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं किसने पेंट किया पिक्चर। नंबर एट, वैन डिड यू रीच दिल्ली, आप दिल्ली वैन मिस कब पहुँचे, हमने टाइम के बारे में पूछा है। नंबर नाइन, वाट आर दोज गर्ल्स डूइंग, हुज पेंसिल आर यू यूजिंग, आप किसकी पेंसिल यूज कर रहे हैं, मिस ये जो पेंसिल है इस पर किसकी ओनरशिप है, किसकी पेंसिल है ये। नाउ इलेवन, वाट इज योर फादर्स नेम, आपके फादर का नेम क्या है, हम नेम के बारे में पूछना चाहते हैं, हम यूज करते हैं वाट का, राइट। नंबर ट्वेल्व, हु इज योर मैथ टीचर, हमने यहाँ पर्सन के बारे में पूछा है, मैथ टीचर कौन है। थर्टीन, विच बुक डिड नाम्या बाय। फोर्टीन, हुज हैट इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज का हमने यूज किया है, हैट या पेन पर किसका पोजीशन है, किसका ऑनरशिप है, राइट। एंड विच रिवर फ्लोस थ्रो सूरत। नाउ सेवनटीन, वाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 18, विच ऑफ दोज बॉयज इज द टॉलेस्ट, यहाँ हमने विच का यूज किया है क्योंकि हम यहाँ दीज बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं, हमने यूज किया यहाँ पर विच का। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक, इनमें से कौन सी बुक है, अगर हमने ग्रुप की बात की है, ग्रुप ऑफ बुक्स की, इनमें से कौन सी बुक है जो आपको अच्छी लगती है। नंबर 20, वाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, हमने यहाँ एक्शन के बारे में जानना चाहा है, सो हमने यूज किया वाट का। Which is the largest river in India? 22. Who went with Tiny to the park? और who का हम यूज करते हैं पर्सन के बारे में जानने के लिए। 23. Who has broken the window pane? 24. What is the answer to this question? 25. Which bus will take us to the station? Now question number 3. फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। फर्स्ट, यहाँ स्टूडेंट्स आपको आंसर गिवन है, आंसर के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन वर्ड फिल करेंगे, राइट। फर्स्ट आंसर इज आई एम 10, मीन्स हमें एज के बारे में हम पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू। आंसर नाम्या, मीन्स हमें नेम पूछना चाहते हैं, व्हाट इज योर नेम। एट वर्क, मीन्स हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, वेयर इज योर फादर। इट इज इन हरियाणा, अगेन हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं आंसर में, सो क्वेश्चन इज वेयर इज अम्बाला।
नंबर 5 आंसर एट 1:30 मीन्स हम टाइम के बारे में जानकारी चाहते हैं, व्हेन डू यू हैव योर लंच। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? आंसर आई एम 12। यहाँ स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन गिवन है और आंसर गिवन है ऑलरेडी। नंबर 2, वेयर डू यू लिव? इन दिल्ली। हुज बुक इज दिस? इट्स माइन। 4, व्हाट इज योर फादर? ही इज अ डॉक्टर। यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज योर फादर? ही इज अ डॉक्टर। अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो आप लिखिए ही इज अ डॉक्टर। आपके फादर जो भी वर्क करते हैं उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 5, व्हेन वर यू बॉर्न? इन 2010। यहाँ आई नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर इन होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इन नंबर 6, व्हाट गेम डू यू प्ले? क्रिकेट। 7, व्हेन डू यू गो टू बेड? एट 9:30। नंबर 8, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? 30 रुपीज। नंबर 9, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? 4। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नाउ राइट ट्रू आंसर्स टू ईच ऑफ द अबव क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस अभी हमने रीड किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 9 तक क्वेश्चंस जो गिवन है, इन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है अगेन और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं अपने बारे में बताते हुए। मीन्स राइट अबाउट योर सेल्फ। फॉर फर्स्ट इज आप अपने बारे में बताएंगे आई एम। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, लेट्स सी, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 12 लिखा हुआ है। आपकी जो एज है वो आप लिखिए, मेंशन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं, आप मेंशन कीजिए उसको। सेम बाकी क्वेश्चंस भी आपको सेम करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।